गाइस मयंक चौधरी की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जो हम इंडियंस रहते हैं वो हम जब भी सोचते हैं कि चलो अब नई गाड़ी ले ली जाए तो हमारी दो तीन चीज़ें रहती हैं जो दिमाग में रहती हैं। उनमें से जो पहली नंबर की चीज़ रहती है वो रहती है बजट। ऑफकोर्स बजट से तो हम अपने भारी नहीं जा सकते और जो भी हमारे बजट में गाड़ियाँ आती हैं उनको हम छाँटने लग जाते हैं कि कौन सी हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से सही है। और जो दूसरे नंबर की प्रायोरिटी रहती है टॉप मोस्ट वो कहीं ना कहीं रहती है हमारी कि हमारी गाड़ी कितना कम पीती है। कम पीने से मेरा मतलब है कि कितनी ज़्यादा अच्छी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी है, कितना अच्छा माइलेज निकाल रही है और हमें मतलब टंकी कम से कम फुल करानी पड़ती है और बढ़िया एकदम माइलेज निकालती है, पॉकेट भी संतुष्ट है और हम भी संतुष्ट हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि देखो मारुति की कोई मुकाबला नहीं है माइलेज निकालने में, तो काफ़ी सारे लोग मारुति बिकती भी इसीलिए और नाम ब्रांड वैल्यू भी है तो इसीलिए काफ़ी लोग मारुति परचेस कर लेते हैं, अपनी बढ़िया माइलेज निकालेगी और बढ़िया काम हो जाएगा। तो माइलेज को सोचते हुए पिछले 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं और एक भाई का तो ये कमेंट था कि भाई 10-15 दिन ही हुए वेन्यू लिए और 11 का माइलेज दे रही है और उनका दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है कि मतलब ये क्या हो रहा है और कंपनी इतने ज़्यादा का क्लेम करती है। तो इस वीडियो में आज बेसिकली हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। मैं आपको ऐसी 3 से 4 टिप्स दूंगा जिससे जो आपकी गाड़ी माइलेज दे रही है ना इस टाइम वो अप हो जाएगी, मतलब इंक्रीज़ हो जाएगी और आप इसको प्रैक्टिकली अपनी गाड़ी के साथ ट्राई करके देखना और ऑब्जर्व करना कि आपको इंक्रीज़ लगेगा अपनी माइलेज में। तो अब टिप्स की बात कर लेते हैं। पहली टिप जो है वो ये है, जब आप अपनी गाड़ी शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो, जो भी आपने गाड़ी सेलेक्ट करी है उसमें ये देखो कि कौन सी कंपनी कितना माइलेज क्लेम कर रही है। जैसे काफ़ी कंपनियां करती हैं, हालांकि जो खैर कंपनी क्लेम करती है माइलेज वो कभी गाड़ी देती नहीं है। तो सबसे पहले आप जब गाड़ी अपनी शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं तो उसी में देख लें कि कौन सी कंपनी कितना गाड़ी का माइलेज क्लेम कर रही है और उनसे जाके मिले और उनसे जाने कि कस्टमर फीडबैक कितने का आया है, क्योंकि वो बता देते हैं। कस्टमर फीडबैक जो भी आता है कस्टमर अपने हिसाब से जो उनको माइलेज मिल रही होती वो बता देते हैं और कंपनी वाले आपको बता देंगे। तो पहली टिप तो यही है, जब गाड़ी शॉर्टलिस्ट कर रहे हो ना जब ही देख लो कि कौन सी बढ़िया माइलेज दे रही है। तो अब काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया होगा गाड़ी लेते वक्त कि मतलब हम माइलेज देखें कौन सी कंपनी कितना क्लेम कर रही है और वो गाड़ी भी ले आए होंगे, तो कोई बात नहीं। अब जैसा आपने फर्स्ट टिप, तो अब अगर आप सोच रहे हो ना गाड़ी लेने की तो आप फर्स्ट टिप फॉलो कर सकते हो, वरना अब हम सेकंड टिप से चालू करते हैं कि अगर आप गाड़ी भी ले आए तो अब आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं माइलेज। तो हमारी दूसरी टिप है वो मैं कहना चाहूँगा कि आपको जब भी काम पड़े ना तो हो सके, पॉसिबल हो सके तो आप हमेशा टंकी फुल कराओ। ऐसे नहीं कि मतलब आपको कहीं जाने का काम पड़ रहा है तो आपने 500 की डला ली या फिर 1000 की डला ली। अब जैसा आप देख सकते हैं इसमें 536 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है और टंकी थोड़ी आधी से ज़्यादा फुल है। तो जब से गाड़ी ली है ना 1.25 साल हो गया, इसकी कभी भी ऐसा सिस्टम नहीं हुआ कि 500 की डला रहे हैं या फिर 1000 की, हमेशा टंकी फुल होती है फिर उसके बाद ख़त्म हो जाती है तो फिर फुल हो जाती है। तो ये जो रोल प्ले होता है ना टंकी फुल कराने का, ये काफ़ी हद तक माइलेज को इंक्रीज कर देता है। ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अगर आपने अब तक ऐसा कराओ कि 500-1000 का डला लेते हैं और बाकी नहीं डलाते, तो आप एक बार अब से ये चालू कर दो कि आप टंकी फुल कराया करो। और टंकी फुल कराने के बाद मेन पॉइंट है जो आपको एवरेज शो होती है ना गाड़ी की, अब जैसे ये एवरेज मुझे 10.9 की शो हो रही है, अभी एक्यूरेट नहीं है, इतने दिन से गाड़ी चली नहीं और खड़ी में ही ऐसी चलता रहता है। तो आप जब भी टंकी फुल करा लो ना तो मेन काम क्या करा करो, एवरेज जो होती है उसको रीसेट मार दिया करो, अब वो हो जाती है 0-0। तो आपको एक एवरेज आइडिया लगा रहता है कि हमने टंकी फुल कराई है तो अब हमें इतना माइलेज मिलेगा गाड़ी का। काफ़ी लोग होते हैं वो टंकी तो फुल करा लेते हैं लेकिन इस एवरेज को रीसेट करना भूल जाते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी तो वही एवरेज शो करती है पुरानी वाली से होकर, वो नई वाली तो कर नहीं पाती। तो टंकी फुल के साथ आप एवरेज को भी रीसेट करें, ये है हमारी सेकंड टिप। और तीसरी जो हमारी टिप है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है हमारी अवॉइड रैश ड्राइविंग। अब अवॉइड रैश ड्राइविंग से मेरा क्या मतलब है वो मैं आपको करके ही दिखा रहा हूँ। जैसे अब आपने देखा कि 3000 तक RPM गया, फिर मैंने गियर बदला, फिर पंजा दबा दिया, फिर 3000 तक RPM जा रहा है, फिर मैंने गियर बदला, तो इसको कहते हैं हम रैश ड्राइविंग। अगर आप ऐसे रैश ड्राइविंग करोगे ना तो चाहे आपको कोई सी गाड़ी दे दो वो माइलेज नहीं निकालेगी। तो अगर आपको माइलेज निकालनी है गाड़ी से तो हमेशा स्मूथ ड्राइव करो, रैश मत करो। रैश से मतलब है ऐसा नहीं कि पंजे पे आपका पैर बुरी तरह से जा रहा है और RPM की निडल चढ़ती जा रही है फिर आप गियर चेंज कर रहे हो, कभी कभी आप कर सकते हो अगर आपका फ्रंट टू ड्राइव करने का मन करे, लेकिन रैश ड्राइविंग अगर आपको माइलेज निकालनी है तो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। चौथी हमारी टिप है वो है शिफ्टिंग गियर्स एट करेक्ट RPM। करेक्ट RPM से मेरा मतलब है जो ये आपको सुइयां दिख रही है ना इसी का खेल रहता है आपकी गाड़ी की माइलेज निकालने में। जहाँ तक पॉसिबल हो सके तो आप इसको, अब जैसे आप देख सकते हैं एक पे निडल है और स्पीड 22 पे और मैंने तीसरा गियर डाल रखा है, तो
तो आप इस निडल को 2000 से ऊपर क्रॉस नहीं करें, तो इसको आप 1500 से 2000 के बीच में ही रखें और इसी बीच में गियर शिफ्ट कर लें। अब जैसे ये 1500 ही, मैंने तीसरा गियर डाल लिया है अपना, इसको मतलब निडल को 2000 से ऊपर नहीं जाने दें क्योंकि फिर आपकी माइलेज गिरने लग जाएगी फिर से कार की। आप देख पा रहे हैं करीब 1100 इतनी होगी और मैंने थर्ड गियर डाल रखा है, और 1500 होते ही आप स्पीड ना देखें, स्पीड भले से 38 है लेकिन मैंने फोर्थ गियर डाल लिया है क्योंकि मुझे गाड़ी से निकाल लिया माइलेज। और अब आप देख रहे हैं कि आरपीएम की निडल एकदम एक पे। अब इसमें भले से तीसरा इंडिकेट कर रहा हूँ कि अब गियर डाउन कर लो, क्योंकि वो इसलिए शो करता है क्योंकि गाड़ी थोड़ी कम पावर देगी लेकिन हमको पावर नहीं माइलेज निकालनी है, तो आप इसको इस टाइम पे अवॉइड करें और अपना 1500 से 2000 के बीच ही आरपीएम मीटर मेंटेन करके रखें। और 1500 पे तो गियर आप शिफ्ट कर ही लें, अगर आप ये काम करोगे ना तो आपको अगेन बहुत अच्छी माइलेज देगी गाड़ी और काफ़ी बढ़िया इंक्रीज हो जाएगी आपकी फ्यूल एफिशिएंसी कार की। जो हमारी फिफ्थ और आखिरी टिप है मतलब इस वीडियो की, वो है मेंटेनिंग राइट स्पीड। राइट स्पीड से मेरा मतलब है, अब जैसे कॉलोनी के रोड हैं तो यहाँ आपको मिनिमल मतलब 25-30 ही चलती है गाड़ी, तो यहाँ इतनी मेंटेन करके रखें। ऐसे नहीं कि आप इन पे ही 70 पे दौड़ा रहे हो, उसके बाद माइलेज कहाँ से देगी गाड़ी। और उसके बाद अगर जैसे आपका कभी चक्कर लगता है हाईवे पे, तो हाईवे पे आप सोचें अगर आपकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है ना तो बेस्ट ही है, तो आप माइलेज की चिंता ही नहीं करें। 80 से 85 के बीच में आप क्रूज कर दें अपनी स्पीड को। अगर आपको लग रहा है कि 80-85 कम रह जाती है हाईवे के हिसाब से, तो आप उसको 95 तक क्रूज कर दें और फिर देखें आप, आपको बहुत ही बेहतरीन माइलेज देगी। और अगर आपको कभी ऐसे टेस्ट करना हो ना कि अपन को हाईवे पे कितनी देगी, तो आप एक बार एवरेज अपनी रीसेट करना और फिर ऐसे क्रूज करके देखना, और फिर वो आपकी जब जर्नी ख़त्म हो जाए फिर आप देखना अपने मीटर में कि क्या माइलेज निकाल रही है गाड़ी। और हुंडई और किया और इनके जो मीटर आते हैं ना, इनमें जो माइलेज आती है वो एकदम मतलब एक्यूरेट आती है, कुछ पॉइंटों में ही अंतर रहता है, क्योंकि मैंने तो खुद माइलेज टेस्ट कर रखा है तो एकदम एक्यूरेट सी आती है, तो आपको एकदम बढ़िया बता देगी। तो अगर आप हाईवे पर जा रहे हो तो 80 तक ही स्पीड, 80 से 100 के बीच ही स्पीड मेंटेन करके चलो, तो अगेन आपकी फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसी कुछ ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको 5 मेजर टिप्स शेयर करी। अगर आपकी गाड़ी आपको लगता है कि फ्यूल एफिशिएंसी कम दे रही है जो कंपनी क्लेम करती है उसके हिसाब से, तो जो मैंने आपको टिप्स बताई है ना उन सबको फॉलो करना। ऐसा नहीं अगर आप एक ही टिप फॉलो कर रहे हो और बाकी चारों को नहीं कर रहे, या फिर कोई दो फॉलो कर रहे हो दो नहीं कर रहे। अगर आप करते हो ना तो चारों पाँचों टिपों को फॉलो करो और उसके बाद देखना आपको इंक्रीज मिलेगा एकदम अपनी माइलेज में, और आप खुश हो जाओगे कि चलो अब जाके गाड़ी बढ़िया माइलेज निकाल दी है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो नई गाड़ी लेते हैं लोग वो थोड़ा कम माइलेज देती है गाड़ी, तो थोड़ा निराश नहीं हो क्योंकि गाड़ी अक्सर फर्स्ट सर्विस के बाद बढ़िया माइलेज निकालने लग जाती है। और अगर आपको लगे ना गाड़ी कम माइलेज दे रही है, तो आप कराना अपनी टंकी फुल और उसके बाद अब एवरेज आप रीसेट कर देना और जब देखना गाड़ी क्या एवरेज निकालेगी। तो ऐसी कुछ ये वीडियो थी, अगर आपको वीडियो बढ़िया हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।